नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। पांचवें चरण के लिए चुनाव में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 90 महिला उम्मीदवार है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। खबर अमेठी से है, जहां पर पांचवें चरण में 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जिले में कुल 14,48,525 वोटर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अमेठी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह और जगदीशपुर सुरक्षित सीट से योगी सरकार के मंत्री सुरेश पासी के भाग्य का फैसला जनता करेगी। जिले में 48 प्रत्याशी मैदान में है। बस्ती में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने रुधौली विधानसभा के जगदीशाही में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत चौधरी के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो शमशान कब्रिस्तान जिन्ना पर बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दों पर बात कर रही है। प्रियंका ने घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने बताया कि बिना कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो शमशान कब्रिस्तान और जिन्ना और गन्ना इस सब पे बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात कर रही है। वो महंगाई पे बात कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है। हमारे मुद्दे बहुत साफ हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहते हैं। प्रियंका जी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुनकरों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हम एक बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं और हमें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। पिछले 5 साल में जब मुस्लिम जनता पर उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार कर रही थी, तो वो खड़े कहाँ थे? वो बिल्कुल खड़े नहीं थे। आप सारे पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन खड़ा था? सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। ऐसे में इस बार उनकी ठेकेदारी का दावा टूटने जा रहा है। मुस्लिम वोटर भी उत्तर प्रदेश की बाकी जनता की तरह उसके अपने मुद्दे हैं, महंगाई से परेशान है, पुलिस प्रताड़ना से परेशान है, और प्रियंका जी में उसको भरोसा आ रहा है, उसको राहुल जी पे भरोसा आ रहा है। मैं जा रहा हूँ तो लोगों का जो हुजूम उमड़ के आ रहा है, उससे भी पता चल रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है। बस्ती में पांचवें चरण के बाद 6वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेताओं की ओर से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का आगमन 12 बजे होना था, लेकिन गोरखपुर में बसपा की हो रही रैली की वजह से वो 4 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि सर्वजन की जनता वो बीजेपी पार्टी की सरकार को बुलडोजर करने का काम कर रही है। देखिए, अब ये सब दिखा रहा है कि लोग जो समाजवादी पार्टी है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सारे हथकंडे इन लोगों ने चला लिए। हर तरह की बातें, हर तरह के भ्रम फैलाने का काम करने का कर लिया, आपस में एक दूसरे को दिखाने का काम किया, लड़ रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये देख लिया कि वहाँ तो कुछ और है जमीन ही हकीकत, कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफा आगे बढ़ती जा रही है और ये दोनों मिल करके भी बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अग्रसर है बहुजन समाज पार्टी की, तो अब इस तरह से कभी किसी को कुछ और करें, निकाल लें, ये तो उनका उनकी सोचने की बात है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पे धार्मिक त्योहारों के मौके पर बॉडी पर टैटू गुदवाने का ट्रेंड अब जोरों पर देखने को मिल रहा है। वहीं अब शिवरात्रि के मौके पर युवा टैटू करवाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं और टैटू बनवा रही हैं। वहीं इस दौरान जानकारी देते हुए टैटू आर्टिस्ट चित्रा ने बताया कि अब तक युवाओं में टैटू बनवाने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन अब महिलाओं में भी टैटू बनवाने की होड़ देखने को मिल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शिव जी का ट्रेंड तो हमेशा के लिए ही है, मतलब शिवरात्रि स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों में शिव जी के टैटूज़ को लेके क्रेज़ बहुत है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर टैटू बनते हैं कोई, तो मेरा मानना है कि महादेव के टैटू सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लोगों का बिलीव काफ़ी है महादेव में। और अलीगढ़ में ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में इसका मतलब क्रेज़ बहुत है। मैं जहाँ तक इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, यहाँ से बाहर के आर्टिस्ट भी महादेव के टैटूज बहुत बनाते हैं, जैसे कि गणेशा टैटू, महादेव का ओम जो कि एक पीस का सिंबल है, वो काफ़ी पॉपुलर टैटू में आता है
और काफ़ी लोग उसको बनवाना चाहते हैं। मैंने खुद टैटू बनवा रखा है महादेव का, और अब शिवरात्रि पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बनवाना चाहेंगे महादेव का टैटू। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले सहित अन्य मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। खून से लिखे गए इस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन उनके दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर समस्या चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इसके बारे में, देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को सबको कि ये हिजाब जो है क्या है हिजाब, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुसलमान ये जो चाहते हैं कि ये देश शरीयत से चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये देश हमेशा संविधान से चला है, कानून से चला है, और संविधान से ये चलेगा। इसमें अब वो जमाना बीत गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच बीते दिनों से शुरू हुए युद्ध के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के अभिभावकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों की वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली का बयान सामने आया है। वसीम अली ने कहा कि सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करे और जल्द ही भारतीय छात्रों को वापस लाया जाए। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। रूस में युद्ध जो चल रहा है उसमें इंडिया के बच्चों को फंसे हुए किस तरीके देखते क्या कहेंगे? यूक्रेन और रशिया जो वार में हमारे स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी वहाँ सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए और उनको साफ खैरियत से जितनी जल्दी हो सकता है हिंदुस्तान में वापस लाया जाए। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे आने वाले जो हमारा देश है उसका मुस्तकबिल हैं, और मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जितने जल्दी हो इकदामात उठाए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जाए, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके यहाँ रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनके लिए जितने भी इकदामात किए जा सकते हों गवर्नमेंट को करने चाहिए। जैसा कि हम टीवी चैनल से हमने देखा है कि हिंदुस्तान के जो भी बच्चे हैं बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट अपनी तमाम कोशिश कर रही है कि उनको जल्द से जल्द अपने देश वापस लाया जाए। लिहाजा गवर्नमेंट से हम यही अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को वापस लाने की मुहिम को जारी रखें और तेज़ करें। क्या सर, जिस तरीके से परिजनों की तरफ संदेह बच्चों की तरफ प्रीति लग रही है, गंभीरता किस तरीके देखती है, किस तरीके से अपील करेगी उनके लिए? नहीं, हम पूरी पूरी सिंपैथी रखते हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट उनको लेकर के वापस आएगी। मिर्जापुर में लोकगीत गायिका तृप्ति शाक्य ने भाजपा प्रत्याशी के लिए नुक्कड़ सभा में वोट मांगते हुए जनता से कमल के बटन को दबाने की अपील करी और नगर प्रत्याशी और विधायक रत्नाकर मिश्रा के लिए वोट मांगने पहुंची। बताया जा रहा है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर महिलाएं किसी सरकार में खुद को सुरक्षित कर रही हैं और समझ रही हैं तो वो भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो क्या आने वाले समय में प्रियंका जी क्या करना है? अभी इस बार तो मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन हो सकता है आगे उनको कभी फायदा मिले, उनकी ये मेहनत आगे चल के कभी रंग लाएगी, लेकिन अभी फिलहाल। अच्छा, अखिलेश कहते हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में अखिलेश बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको पेंशन दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये बातें कहाँ तक अगर सरकार बनती है इसका क्षमता दिख रहा है? देखिए, सब भाजपा की नकल कर रहे हैं। भाजपा ने जो योजनाएं लाई है प्रदेश में लागू की हैं, तो हर पार्टी सोच रही है कि हम भी इसी आधार पर काम करेंगे तो ही जनता एक्सेप्ट करेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।